दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग एंड डेयरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अभिषेक सिंह, आज मैं आप लोग को जो नींबू के पौधे में जो है एक खाद जाना जाता है, जिससे आप लोग का जो नींबू का पौधा है बहुत ही हरा भरा और फल फूल भी बहुत लगेंगे। देख सकते हैं मैं इस पौधे पे वो जो खाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 15 दिन के अंतराल पर मैं हमेशा डालता रहता हूँ। और देखिए पौधा जो कितना हेल्दी है। आपको जो खाद डालने के साथ आपको जो है जो मैं बताऊँ जाऊँगा वो तो आपको डालना है, साथ में जो है आपको गोबर की खाद और सब जो है आपको डालते रहना है, ठीक है। तो फिर अब मैं बताऊँगा कि वो जो खाद है वो आप जब डाल लें तो आप जो है मौसम के हिसाब से थोड़ा उसमें कम और ज़्यादा आप डाल सकते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में वो है जो कम डाला जाता है, जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोग को बताऊँगा, और जो आपका जो है ठंडा के मौसम में आपको थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। दोस्तों ये ग्राफ ये जो एयर लेडिंग से तैयार एक पौधा है नींबू का, आप लोग जो एयर लेडिंग से खरीदिएगा, नहीं तो आप ग्राफ्टिंग से भी खरीद सकते हैं। जो सीड वाला जो पौधा होता है आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो मैं लगाया हुआ हूँ, ये 2 साल लगता है इसे इसमें फल आने में, लेकिन इसमें जो है आप लगाएंगे उसी समय से फल आना। देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं, कितना हेल्दी पौधा है आप लोग देखिए। मैं इसमें 15 दिन पर हमेशा डालता रहता हूँ। तो फिर अब मैं इसमें जो हूँ वो खाद में डालने जा रहा हूँ जो मैं आप लोग को बताया हूँ। दोस्तों ये है, ये दोस्तों मस्टर्ड केक जो है आपको मस्टर्ड केक का जो पाउडर लेना है आपको, और पानी में डालकर 1-2 दिन छोड़ देना है। ऐसे ही मैं छोड़ दिया था इसे 1-2 दिन के, देखिए अंदर में इसमें लास्ट में जो है सेडिमेंट हो गया है, ठीक है। अब इसको जो है इसमें मैं पहले लगाया हुआ था साग, जब मैं इसको खा तो इसकी निराई गुराई भी अच्छी तरह से हो गई है, तब इसमें डाल लूँगा खाद तो वो इसको अच्छी तरह से जो है इसको ग्रहण करेगा। देखिए आपको नींबू का पौधा में हमेशा पानी डालते रहना है गर्मी के मौसम में, उसका जो पानी है जो मिट्टी है उसको सूखा नहीं होने देना है, उसमें हमेशा नमी जो है बनी हुई रहे। अब मैं इसमें जो हूँ पानी डालने जा रहा हूँ, आप जो पानी नहीं खाद जो मैं मिलाया हुआ, देखिए यही वो खाद है। आप चाहे तो इसको स्प्रे करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्प्रे नहीं, इसको डायरेक्ट डालूँगा मिट्टी में। देख सकते हैं इसका जो रंग जो है पूरा पीला हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं इसको जो चारों तरफ से आप जो है डाल दीजिए, पौधे के साइज से आप जितना होगा, मेरा पौधा थोड़ा बड़ा है तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगा, पौधे के साइज से आप डालें। अगर पौधा आपका छोटा है तो आप थोड़ा कम डालें, ज़्यादा नहीं डालें। गर्मी का मौसम है अभी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं डाला हूँ पौधे के हिसाब से। आप लोग को लग रहा होगा मैंने ज़्यादा डाला, लेकिन नहीं, पौधे के हिसाब से मैंने कम डाला है। और ये सब को मैं अब इसकी सब्जियां हार्वेस्टिंग कर ली है, इसको मैं जाके अभी बनाऊंगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा जो एक मेन खाद है, देखिए जो यूट्यूब पर सब है जो एक मैजिक तरीका, जादुई तरीका, एक ख़तरनाक ट्रिक, ये सब जो है जो ये सब जो है सही नहीं, जादुई तरीका कुछ नहीं होता है। सबके लिए आपको फर्टिलाइज़र ही होता है जो आपको देना होता है, कुछ मेन फर्टिलाइज़र होते हैं, कुछ छोटे तत्व होते हैं जो आपको हमेशा देना ज़रूरी होता है, ठीक है। दोस्तों अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मेरा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह इसके जो वीडियो हैं आप हमेशा देखते रहें। धन्यवाद।